हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होली के बाद आज आपको सीधा मैं दो दिन के बाद मिल रही हूँ, पर अभी दो दिन में हमने इतनी फुल पार्टी और फुल एंजॉयमेंट किया और सबको पूरी फैमिली का गेट टुगेदर साथ में चल ही रहा था, क्योंकि त्यौहार ऐसी चीज़ है कि पूरे परिवार को बांध के रखता है, तो मज़ा ही आ गया दो दिन। तो मैंने कहा दो दिन थोड़ा रिलैक्स भी ले लेते हैं, और काम तो रहता ही है, इधर उधर भागने दौड़ने में मैं व्लॉग कर भी नहीं पाती, इसलिए फिर मैंने रहने ही दिया। और आज फिर से मैं वापस आपके साथ हूँ, और आज हम जा रहे हैं उदयपुर, रेडी होना बाकी है। और बस अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, तो बाल बाल बना देती हूँ, स्किन केयर मेरा बाकी है वो कर लेती हूँ, फेस वॉश भी बाकी है क्योंकि मैं क्लेंजर मेरे रूम में ही रखती हूँ, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मसाज करते करते बेसिंग के बाद चले जाए तो अच्छे से डीपली नरिश्ड हो जाता है, फेस डीपली क्लीन हो जाता है। और अभी मैं हो जाती हूँ रेडी, ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया है, और बस उदयपुर के लिए निकलने की तैयारी, क्योंकि उदयपुर से जो मैंने शॉपिंग की है वो सारी पेंडिंग है, लानी बाकी है, तो उसको आज ले भी आएंगे, और कुछ काम और भी है वो भी कर देंगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब पहन लेती हूँ मेरी वॉच, बहुत कम चार्ज हुई, 11% ही चार्ज हुई। मैं और चिकू अभी कार में बैठ चुके हैं, और बस अभी शॉप का थोड़ा सा जो काम है वो ले लेते हैं, क्योंकि उदयपुर जा रहे हैं, तो साथ में जो भी काम है वो निपटा के आएंगे। और अभी बस अब तैयारी है, थोड़ी देर में निकलते हैं, 10 से 15 मिनट में ड्राई क्लीनिंग के कपड़े भी लाने हैं, मम्मी का एक लहंगा है जो थोड़ा सा डैमेज आया था, उसको रिपेयर करवाने दिया था, वो भी लाना है, सारे काम एक साथ करने हैं। आज हम निकल गए हैं, और अब सीधा उदयपुर जाकर मिलेंगे। जिया जी आने वाले थे इसलिए बिना दीदी रुके नहीं तो बिना दीदी दो दिन और रुकते और मज़ा आता, पर तभी तो चलो ठीक है, होली पे आ गए इसलिए तो भी मज़ा आ गया, और बनी से, हनी से, बिना दीदी से और जिया जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज तो क्या पता, हम जा रहे हैं उदयपुर तो DVD को यानी बीमारी ही आ गई, गाने ही नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल बोरिंग लग रहा है जाना आना, क्योंकि गाने चलते तो थोड़ा सा ही लगता है, साथ साथ में गाते रहते हैं और टाइम कट जाता है, पर अभी तो मुझे ये लग रहा है फटाक से उदयपुर कब आ जाए, जबकि घर पे थे तब तो ठीक था, पर अभी चल ही नहीं रही है, टच कर रहे हैं तो कोई सोर्सेस काम ही नहीं कर रहे हैं, अभी यूँ नहीं हो कैमरा चालू मन काम करना चालू हो जाए, ख़राब हो गई है, इसको सही कराना पड़ेगा, दो तीन बार गाड़ी रोक के भी पूरी रीस्टार्ट की, हो सकता है कि हैंग वैंग हो गया हो, तो पर तो भी नहीं हो रहा है, पर बस चलो बातें करते करते ही यानी रास्ता काटेंगे। हम आ गए हैं बिना दीदी के घर पे, चिकू वो खड़े क्या, गेट नहीं खोला, गेट नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा, हाँ नहीं तो हम जाए वापिस। जिया जी तो लंबा सफ़र करके आए तो थक गए, सो गए, मिलवा देते हैं आपको बनी से, हनी से, बिना से, बिना दी काम कर रहे हैं, तो बस शाम को आते हुए मिलते हुए जाएंगे, ठीक है, ओके बाय। मेरा पर्स, मैं जा रही इसलिए बनी भी तैयार हो गया है, मेरा हनी पकड़, बच्चे बेटा नहीं जाना आपने तो, ए बनी बाय। कहीं डॉक्टर के पास नहीं ले जाए यूं करके, मरीज पहले ही सही हो गया। इधर से गुजर रहे थे तो पिंजरे की शॉप दिख गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ देखने के लिए, क्योंकि मिट्टू का जो पिंजरा है वो बहुत छोटा पड़ रहा है, तो पूछ के आती हूँ बड़ा है पहाड़ी तोतों के लिए। अभी हमने इन भैया को बता दिया हमको मिट्टू के लिए कितना बड़ा पिंजरा चाहिए और कैसा चाहिए, क्योंकि हमको है ना मिट्टू के लिए ऐसा पिंजरा चाहिए वो अंदर फ्रीली थोड़े घूम भी पाए और पंख भी उनके अच्छे से फैला पाए, क्योंकि वो पिंजरा अब उनके लिए थोड़ा पड़ रहा है अब छोटा,
और बड़ा पिंजरा चाहिए, उसी के लिए हमने इनको बता दिया है। इन्होंने बता दिया है कि शाम को आप आके देख लेना, इतना बड़ा है, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मैन्युफैक्चर करवा देना, तो फिर बनवा ही देंगे, बनवाने वाला भी फिर सही यानी हमको जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा फिर, नहीं तो शाम को देखेंगे वो समझ में आ गया तो ले लेंगे मिट्टू के लिए। और कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ और कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स थे वहाँ पर, मस्त। अभी हम आए हैं यहाँ पर, चिकू को देना है कंप्यूटर थोड़ा अपडेट करने के लिए, डिस्प्ले थोड़ी अपडेट करने के लिए देनी है, अंदर कुछ सिस्टम विस्टम का अपने को भी कुछ थोड़ा ज़्यादा कम ही पता चलता है, तो वो दे के फिर हम निकलेंगे मॉल के लिए शायद तक, या फिर मेरा फ़ोन ख़रीदना है तो फ़ोन लेने के लिए निकलेंगे। अभी बज गई है 1 और अब भूख भी लग रही है तो खाना ही सीधा खा लेते हैं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया कुछ भी नहीं, घर से भी भूखे पेट ही निकले थे। तो आज हमारी ऑल टाइम फेवरेट होटल में हम आ गए हैं, पार्क व्यू, जो कि हम बहुत टाइम से यहाँ पर आ रहे थे पर अभी भी आए नहीं थे, अभी कहीं और है ये होटल, तो अभी का व्यू जोरदार है इसका, तो व्यू बताती हूँ। हमारे जो कॉर्नर की टेबल है उसके ऊपर ही हम आके बैठ गए हैं और अब व्यू अभी तो नहीं दिख रहा। कैसा लग रहा है? पुरानी यादें ताज़ा, मज़ा आता है बहुत, यानी ऐसी यानी एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, मज़ा आता है एकदम, पुरानी पुरानी यादें वादे सब, खाना भी टेस्ट करके वही सब याद आ जाता है। अभी चू कर रहे हैं बिल पे और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर जो भी मेरे कपड़े हमने ख़रीद लिए थे उसको रिसीव करेंगे और मेरे फ़ोन ख़रीदने के लिए जाने वाले हैं, पर जो हमको कलर चाहिए प्रॉपर वाइट वो कहीं अवेलेबल हो नहीं रहा है, बस वही जुगाड़ बैठा रहे चिकू कब से फ़ोन कर करके। मेरी शॉपिंग हो गया आज सिर्फ मेरी, खाना खाकर जैसे ही आया कार तो भयंकर गर्म है, चिकू तो बाहर ही है, जब तक कार ठंडी नहीं होगी तब तक बहुत अंदर नहीं आने वाले, और गजब खतरनाक गर्मी, अभी इतनी गर्मी यश की शादी में तो क्या ही होएगा। गाड़ी की हालत वही वैसे ही ख़राब, और हम मेरा नया न्यू फ़ोन लेके आ गए हैं, बरगंडी S22। और जी कुछ जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक अंदर नहीं आना है। आई रे 3 घंटे लगे हमको, 3 घंटे। मैं आ गई हूँ वेडिंग सूट कलेक्शन में, मेरे जो मैंने कपड़े परचेज किए थे उसको रिसीव करने के लिए, तो रिसीव करके फिर कहीं और जाएंगे। हस्बैंड सर्विस पे वाइफ सर्विस। अब जा रहे हैं हम मेरे लिए थोड़ी और शॉपिंग करने के लिए, और मेरे गोप्रो की होगी बैटरी लो तो चेंज करनी है। शॉपिंग कर ली है यहाँ से, 2 साड़ीज़ खरीदी है, 1 और खरीदनी है, तो अभी जा रहे हैं विवाह पे। और मुझे यहाँ का कलेक्शन ठीक ठाक लगा, इतना खास भी नहीं लगा, विवाह का कलेक्शन इससे भी ज़्यादा अच्छा है मुझे पर्सनली ऐसा लगा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो ठीक है, क्या इतना अच्छा नहीं है। मेरी शॉपिंग तो हो चुकी है, अभी चिकू गए हैं कार लेने के लिए, फिर कार लेके जैसे ही आते हैं वैसे हम निकलते हैं स्टॉक लेने के लिए, स्टॉक कुछ शॉप के लिए बाकी ही रहना तो वही लेके आएंगे। तो अभी मैं खा रही हूँ आइसक्रीम क्योंकि मुझे थोड़ी लग रही है भूख, और भूख लग रही है तो अभी कुछ खाऊँगी नहीं तो फिर मेरे को गैस हो जाती है, इसलिए मैंने राजभोग फ्लेवर लिया है। कैसा है? बड़ी लाल के मुकाबले मस्त है, केसर का फ्लेवर ज़्यादा। अभी हम आए हैं शॉप के लिए डिब्बे लेने के लिए, यहाँ पे ये डिब्बे पैक हो रहे हैं। फिर से आज तो गाड़ी भर गई है पूरी गाड़ी फुल ऑफ भर चुकी है, आगे डब्बे पड़े हुए हैं, इधर कुछ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं जो आज हमने रिसीव किए हैं, और पीछे पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, पार्सल्स हैं,
पूरी गाड़ी भरी हुई है और अब जा रहे हैं हम बिना दी के घर पे। डिब्बे ले लिए हैं, बिना दी से भी कुछ काम है वो कंप्लीट करके फिर निकल जाएंगे। मम्मी पापा आए हुए हैं ऋषभ देव पर, हम लोग भी यहाँ पर इतने बिजी हैं कि जल्दी निकल ही नहीं पाए। अभी हम आए हैं लेक सिटी मॉल, यहाँ पर हम हमारा डिनर करने के लिए आए हैं। अब डिनर में क्या लेते हैं वो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, बट एक बार आ गए। ऐसे कौन सैनिटाइजर, पूरा सैनिटाइजर के डब्बे में मिले थे। आ गया है हमारा डिनर जिसमें है वेज बर्गर और फ्राइज और ये सॉस। तो अभी हम हमारा डिनर है वो एंजॉय करते हैं। हमारा डिनर हो गया है और हनी के लिए भी पार्सल ले लिया है और अब हम जा रहे सीधा ऋषभ देव, क्योंकि मम्मी पापा हमारा ही वेट कर रहे हैं। तो कुछ काम है वो हनी को ही बता देंगे, यानी काम तो क्या है, बिना जी का एक पार्सल है वो हनी को ही बाहर से लेके निकल जाएंगे क्योंकि थोड़ी जल्दी में है। और मज़ा आ गया खाने में, हालांकि मुझे तो बहुत कम खाना था इसलिए मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं, क्योंकि सुबह भी काफ़ी हेवी हो गया था और दोपहर में भी मैंने बैठे बैठे दो आइसक्रीम खा ली थी। तो अब कार में चलते हैं सीधा। हम निकल चुके हैं दोनों जने और मम्मी और ये लोग भी वेट कर रहे हैं और वो सब जने जाएंगे अभी डिनर पे खाना खाने के लिए होटल। इतने में हम पहुंच जाएंगे ताकि टाइम है वो अच्छे से बच जाएगा और जो भी मम्मी और इनका काम है वो भी हो जाएगा। शॉप पे भी काम है मम्मी पापा को और वो इतने में चिकू पहुँच जाएंगे तो वो कम्प्लीट हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी हो गया। 10 बजे हम अभी यहाँ उदयपुर से निकल रहे हैं, हमको पहुँचने में लगभग 40 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि अपन को आराम से जाना है, इतना भी कोई सुपर फास्ट जाना नहीं है इसलिए। तो अब सीधा मिलते हैं अपन ऋषभ देव पहुँच के और यश मम्मी पापा तीनों आए हुए हैं। हम आ चुके हैं होटल क्योंकि घर पे तो कोई था नहीं, सब जने होटल ही आए हुए हैं। तो मम्मी पापा की गाड़ी वो खड़ी रेड कलर की पोलो क्योंकि दूर से ही हाईलाइट हो जाती है और मम्मी पापा भी अंदर हैं तो मम्मी पापा को पता भी नहीं हम डायरेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो सरप्राइज 10:30 बजते में हम आ गए, 10 बजे वहाँ से निकले थे। अभी हम जा रहे हैं नौपंचाल और नौपंचाल ज्वेलर्स जाके फिर थोड़ा काम है उसको निपटाते हैं और लगभग 11:30 तो हो चुकी है। मम्मी पापा भी जस्ट गए हैं और अभी बज गई हैं, अभी बज गई 12:30 और हम भी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है और फेस वॉश भी कर लिया है तो अब मैं सो जाती हूँ और मेरा कुमकुम आदि जो नाइट क्रीम है वो लगा देती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फेस क्रीम कुमकुम आदि, मैं तो इसको कुमकुमड़ी बोलती हूँ, कुमकुम आदि निकलता ही नहीं है मुँह से एकदम से। तो बहुत अच्छा है और काफ़ी इससे मुझे फ़र्क लग रहा है, अभी धीरे धीरे एक्ने के स्कार्स भी कम हो रहे हैं क्योंकि स्पेशली एक्ने के स्कार्स को ही ख़त्म करने के लिए है। तो वही बस यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड और आज का दिन रहा बहुत ही ज़्यादा थकान भरा। तो आज का व्लॉग अगर देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।